तो दोस्तों बात करना है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म भरा जा रहा है, यहाँ पर देखें तो ग्रेजुएशन पर देखें तो इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म है यहाँ पे फिल आउट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो बताने वाले कि फॉर्म भरते वक्त यहाँ पर देखें तो बहुत सारे लोग का फोटो अपलोड करने में यहाँ पे परेशानी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस वीडियो बताने वाला है कि फोटो आप किस तरह से अपलोड करेंगे, उसका साइज कैसे बनाएंगे, कितना केबी तक होना चाहिए, सारा डिटेल इस वीडियो बताने वाला है। तो जब तक मेरे चैनल पर बना रहे, अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग को भी जानकारी हो सके। जैसा कि देखिए इसका वेबसाइट खुले हुए, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो लोग फोटो अपलोड करने वाला सेशन में आएंगे, अब यहाँ पर देखिए जो फोटो अपलोड किया जाता है तो आपका इस तरह से इंटरफेस खुलता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में लिखा है कि आपको जो फोटो है आपको रिसेंट का ही होना चाहिए, यानी ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 6 मंथ से ज्यादा आपको पुराना आपको नहीं होना चाहिए। और फोटो का जो बैकग्राउंड है आपको व्हाइट होना चाहिए, अगर व्हाइट बैकग्राउंड अपलोड नहीं करते हैं तो यहाँ पे अपलोड आपको नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फोटो जो भी अपलोड करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड में यहाँ पे अपलोड करेंगे। और इसका साइज रखा गया है 30 KB से लेके मैक्सिमम 70 KB तक रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे किस तरह से फोटो का साइज बनाएंगे, बैकग्राउंड अगर नहीं है तो वाइट बैकग्राउंड कैसे करेंगे, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास फोटो है, ठीक है, इस फोटो को लेंगे, यहाँ पे फोटो को आप क्रॉप कर देंगे यानी काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, यानी पेंट में सबसे पहले खोल लेंगे। इस तरह से पेंट में खुल जाएगा तो आपका क्रॉप करना होगा नहीं, आप काट लेंगे, यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्रॉप हो जाएगा, क्रॉप होने के बाद यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे फाइल साइज अपना देख लेंगे, ठीक है, इसका फाइल साइज कितना है। तो मान लीजिए फोटो का साइज देखने के लिए तो यहाँ पर देखिए फोटो वाला पर कर्सर ले जाएंगे तो आपको बताएगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे कितना डायमेंशन में भी बताएगा, नहीं तो राइट भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर देखिए जनरल में आपको डिटेल में बताया कितना 43 KB के है, तो ये मेरा सही है, ठीक है, यहाँ पे सही है। अगर मान लीजिए कम बेसी रहेगा तो फिर से राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करने में एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिसाइज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो परसेंटेज आपको बढ़ा देना है, अगर साइज कम रहेगा तो 180-200 इस तरह से कर देंगे परसेंटेज में, और यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका जो साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपका 30 KB का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डायमेंशन आपको देखें तो बताया डायमेंशन की यहाँ पर देखें तो 320 KB से लेकर 320x240 pixel बताया गया। इसको डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले इसको भी राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से पेंट में खुल जाएगा। यहाँ पे रिसाइज में जाएंगे, रिसाइज वाला ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरह से विंडोज खुलेगा, और यहाँ पे पिक्सल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को टिक कर देना है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 240 लिखेंगे और यहाँ पे 320 लिखेंगे, ठीक है। यानी आपको चौड़ाई में 240 मांगा गया है और हाइट में 320 मांगा गया है, और यहाँ पे ओके कर देंगे। सब भी ले जाएंगे तो आपको डायमेंशन भी बताएगा और साइज भी आपको बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना कर लेंगे। अगर मान लीजिए साइज भी बनाने के बाद आपका अपलोड नहीं होता है, नीचे आपको यहाँ पर मैसेज देगा कि व्हाइट बैकग्राउंड, तो आपको क्या करेंगे बैकग्राउंड को व्हाइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे बैकग्राउंड को यहाँ पे व्हाइट कर लेंगे। व्हाइट करने के लिए सबसे पहले गूगल खोलेंगे, यहाँ पे गूगल में लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड, ठीक। अब यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का वेबसाइट खुलेगा और यहाँ पे अपलोड इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से फोटो अपलोड कर लेंगे, यहाँ पर देंगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड है रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड व्हाइट करने के लिए यहाँ पे व्हाइट कर देंगे, यहाँ पे प्लस बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कलर में जाएंगे और यहाँ पे व्हाइट कर देंगे, यहाँ पे व्हाइट चूज कर लेंगे, यहाँ पे डन कर देंगे, और यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो है ना फोटो का व्हाइट बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो साइज आप सेट करके जैसे ही रिमूव कीजिए बैकग्राउंड, तो आपका साइज आप सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे साइज में। और यहाँ पे चूज वाला ब्राउज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आप आसानी से फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से पे नीचे आएंगे और सिग्नेचर का भी साइज दिया गया है, आप यहाँ से 140x60 pixel में कर लेंगे। 30 KB से लेके यहाँ पे 70 KB तक मांगा गया, ठीक है। तो अपना इस तरह से साइज बना लेंगे पेंट में जाकर। और वाइट ग्राउंड रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन टूल के माध्यम से जो बताएं और इसी प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। सबका आसानी से फोटो यहाँ पे अपलोड, सबका जो है आसानी से फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तब इस प्रोसेस के माध्यम से फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं।